नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, उसने 27 जून 2017 को एक ऑर्डर जारी किया है और इस ऑर्डर में उन्होंने एक क्लेरिफिकेशन दिया है जो कि है, यदि कोई रिटायरमेंट होने के बाद में उसको दोबारा से सर्विस में ले लिया जाता है, यानी किसी पेंशनर को दोबारा से जॉब मिल जाती है, तो उसका जो लीव इनकेसमेंट है वो कैसे रेगुलराइज उसको किया जाएगा उसके बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट न्यूज मिलती रहेगी। इस ऑर्डर में डिपार्टमेंट ने बोला है कि री एम्प्लॉयड के केस में जो लीव इनकेसमेंट है, जो कि मैक्सिमम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को 300 डेज का ही दिया जा सकता है, उसमें वो डेज भी इंक्लूड होगा जो कि रिटायरमेंट से पहले जिनका इनकेसमेंट एम्प्लॉयज को दिया गया था। और इसका उन्होंने बोला है कि जो री एम्प्लॉयड के बाद में जो भी केस हैं वो रेगुलराइज किए जाएंगे रूल 39(6)(a)(3) ऑफ जो CCS लीव रूल्स 1972 है उसके अनुसार। रूल 39 भी हम आपको दिखा देते हैं कि उस रूल में क्या लिखा हुआ है। तो ये आपके सामने है, यहाँ पे रूल यानी जो CCS लीव रूल 1972 का रूल नंबर 6 है, और 6 में 6A का जो इसमें दिया था रेफरेंस 3, तो 3 यहाँ पे ये है। तो इसमें है, गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज रीएम्प्लॉयड आफ्टर रिटायरमेंट में ऑन टर्मिनेशन ऑफ हिज रीएम्प्लॉयमेंट बी ग्रांटेड श्यू मोटो बाय द अथॉरिटी कंपिटेंट टू ग्रांट लीव कैश इक्वलेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ अर्निड लीव एज एट हिज क्रेडिट ऑन द डेट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ रीएम्प्लॉयमेंट सब्जेक्ट टू ए मैक्सिमम ऑफ 300 डेज इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ डेज फॉर विच इनकेसमेंट हैज बीन अलाउड अलॉन्ग विद LTC इंक्लूडिंग द पीरियड फॉर विच इनकेसमेंट वॉज अलाउड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो ये रूल 39(3) यहाँ पे बोल रहे हैं, इसमें भी वही बात है कि यदि किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को या पेंशनर्स को दोबारा रीएम्प्लॉयमेंट किया जाता है तो उसके इसमें उसको जो लीव इनकेसमेंट है वो 300 डेज का ही मिलेगा, इंक्लूडिंग रिटायरमेंट से पहले यदि उसने लीव इन्वेस्टमेंट लिया हुआ है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 300 डेज का ही लीव इन्वेस्टमेंट दिया जाएगा। तो ये क्लेरिफिकेशन था DOPT के द्वारा इश्यू किया हुआ, जिसका कुछ पेंशनर्स को बेनिफिट मिल सकता है कि जिनका लीव इन्वेस्टमेंट 300 डेज नहीं था रिटायरमेंट के बाद, और यदि उनको री इम्प्लॉयमेंट किया जाता है तो उस केस में 300 डेज का लीव इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वीडियो हम खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आपके लिए सूचना लाभदायक रहेगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट न्यूज मिलती रहेंगी। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।